Hi, Saji. Yeah, hello. Hi. Oh my God. Sanji, ये क्या तोड़ दिया तूने? ये बाइक का तोड़ दिया तूने कुछ यार? Hey everyone, welcome back to another vlog. कैसे हैं आप लोग? Hope आप सब बढ़िया ही होंगे. बढ़िया ही होने चाहिए guys. So guys, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वीकेंड पे सांची भाई आती है अपनी यूनिवर्सिटी से, और हर बार की तरह आज भी तुम्हारा भाई सांची को लेने के लिए जा रहा है उसकी यूनिवर्सिटी में. आज ना हम बाइक लेके जाएंगे अंदर यूनिवर्सिटी के, अगर लेके जाने देंगे तो. अगर नहीं लेके जाने देंगे भाई, बाहर तो काफी सारे लोग होंगे, मतलब लड़कियां और लड़के, तो देखेंगे भाई कि क्या रिएक्शन मिलता है. आज मैं रिएक्शन कैप्चर करने वाला हूं कि सांची की फ्रेंड और भी वहां पे काफी लोग होंगे, तो देखेंगे उनका क्या रिएक्शन रहता है मेरी जीनोसो की साउंड पर. तो गाइज आज का ब्लॉग जो बड़ा खतरनाक होने वाला है, तो गाइज आज की वीडियो पूरी देख लेना, आपको बहुत मजा आने वाला है. तो गाइज अभी फिलहाल के लिए अपनी मोस्टर को बाहर निकालते हैं. कोल्ड स्टार्ट तो मैंने वैसे पहले ही कर लिया हुआ, चलते हैं यहाँ से, आपको आगे चल के मिलता हूँ. सो गाइज फाइनली मैं अपनी मोस्टर को लेकर निकल चुका हूँ, और आज भी देख सकते हो भाई ट्रक यहाँ पे भी रुके और इस तरफ भी रोके हुए हैं. मुझे लगता है शायद आगे रास्ता कहीं बंद है, तो उस वजह से ये ट्रक रोके रखे हुए हैं. भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, तो गाइस अभी मैं सिद्रा पूछने वाला हूँ, तो अभी हम थोड़ी सी फिर खींचने वाले हैं, उसके बाद आपको मैं मिलूंगा टनल पे, और टनल के बाद मिलूंगा सीधा सांची के पास. तो अभी चलो चलते खींचते हुए जाएंगे भाई, क्योंकि मेरा आधा टाइम यहीं पे निकल गया, ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा था. अभी हम पहुंच गए फ्लाईओवर पे, तो अब थोड़ा खींचते हैं. और तो भाई कुछ ज्यादा ही खींच दी, क्योंकि ना थोड़ा खाली रोड मिल गया. आई थिंक 200 प्लस ही थी. क्या मजा आ रहा है, सीरियसली बताऊं गाइस, मतलब क्रेजी. जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है भाई, क्योंकि आपको पता है यार, ऑब्वियसली भाई पावर है, जब आपके हाथ में पावर हो ना भाई, समझते हो, मजा तो आएगा ही, फील तो आएगा ही. तो गाइज अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा टनल पे, क्योंकि आगे सिंपली राइड है, तो भाई कोई फायदा नहीं है आपको दिखाने का, आप भी बोर हो जाओगे, समझ रहे हो, और भाई तुम्हें तुम्हारा बोर करेगा नहीं. तो गाइज अब यहाँ से चलते हैं, और अब आपको मैं मिलता हूँ टनल से पहले. पिछले एक घंटे से देख सकते हो भाई मैं ऐसे ट्रैफिक में चल रहा हूँ. सो गाइज होता ही है कि रात के टाइम ये ट्रक को छोड़ देते हैं जाने के लिए, लेकिन आज इन्होंने दिन में ही छोड़ दिए, और पिछले एक घंटे से भाई मैं समझ लो ऐसे ऐसे करके निकाल रहा हूँ, जहाँ जगह दिख रही है वहाँ से निकाल रहा हूँ. अभी तक मैं टनल, अरे भाई अभी तक मैं टनल तक भी नहीं पहुंचा हूँ. आज मुझे लगता है मैं शाम तक ही पहुंचूंगा सांची के पास. फाइनली ट्रैफिक हो चुका है कम, और मैं पहुंच चुका हूँ भाई अपने फर्स्ट टनल पे. तो अब चलते हुए आराम से टनल पे, तो मैं साउंड सुनाऊंगा और उसके बाद हम चलेंगे सांची के पास. भाई जो गूंजती है ना आवाज, मतलब मैं आपको सुना नहीं सकता वो कि कैसी गूंजती है. देख रहे हो साउंड खतरनाक भाई. अब रुको मैं यहां से ना स्लो होता हूं और फिर खींचूंगा. चलो भाई यहाँ पे ट्रक बहुत ज्यादा चल रहे हैं ना, क्रेजी साउंड भाई. मतलब जितनी बार भी मैं टनल पे आऊँ ना भाई, यहाँ पे जो मेरे को मजा आता है ना साउंड सुनने का, क्रेजी, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार वो मजा. तो अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब सीधा डायरेक्ट आपको सांची की यूनिवर्सिटी जाके मिलता हूँ. तो चलो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ भाई सांची की यूनिवर्सिटी के रोड पे, बस आगे आने वाली है यूनिवर्सिटी. तो देखते हैं भाई, सांची तो बाहर आ चुकी है और उसकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी आई है, तो देखते हैं चलते हैं मिलते हैं उनसे भी, और अपनी बाइक की भी साउंड सुनाएंगे उन्हें. तो चलो चलते हैं. देख रहे हो भाई यहाँ पे तो अलग ही साउंड लग रही है. और ओ भाई साहब काफी लोग हैं यार यहाँ पे. हाय साजी. हाय. कुछ ज्यादा ही भीड़ लग रही है. हेलो. हाय गोरी. क्या क्या क्या? ओह माय गॉड. हाय. क्या लगा? ठीक हो? हाय.
बढ़िया ही होने चाहिए गाइस। हाय हाय, समझ आ रहे हैं? अच्छा ओके ओके, बाय 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 बाय, चलो बाय सांची, चल चल बैठ बैठ। और भाई क्या चल? सो गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं, आगे चल के रुकते हैं। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, देख सकते हो लोकेशन चेक कर रहे हो भाई, क्या लोकेशन है। और ये रही सांची। सांची आज तुमने मेरे सब्सक्राइबर को हाय नहीं बोला, आजकल तुम हर बार भूल जाती हो। तो गाइस आपने इससे पहले देख लिया होगा, वो सारी इसकी सांची की फ्रेंड्स थी और जिनको जिनसे मैं मिल रहा था, और मिलते मिलते मैं इसे थोड़ा सा मिलना लेट हो गया, बट मैं इसे मिला था। तो गाइस रिएक्शन तो आपने देख लिए होंगे भाई, इससे पहले काफ़ी लोगों के भी रिएक्शन आए थे। अपनी जो Z900 की साउंड है ना, मतलब क्रेजी है ना, क्रेजी। और ये देखिए तो अब देख रही है मानिका तिल ब्लॉग्स, अपने नाम लिखा दिया, सही लग रहा है, ठीक लग रहा है ना। बट मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जैसा मैंने ड्यूप पे लिखवाया ना वैसा मन कर रहा है, और ये जो ब्लॉग्स है ना मन कर रहा था इसको रेड कलर का लिखवा दूँ, है ना। बट कोई बात नहीं गाइस, थोड़े दिन तक ये चलाएंगे, उसके बाद हम चेंज करवा देंगे, क्या बोलती है? वैसे भी मॉडिफाई जल्दी होने वाली है। तो गाइस मेरे को यकीन नहीं होता कि आप लोग मेरी इतनी बात सुनते हो। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था ना कि जिसको भी अगर मॉडिफाई Z900 दिखती है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फोटो या रील भेज दो। भाई बहुत सारे लोगों ने भेजी है मेरे को इसकी मॉडिफिकेशन, जिन जिन लोगों ने करी है ना उनकी रील फोटोग्राफ, और सबसे ज़्यादा ना सांची रेड कलर की Z900 भेजी है मेरे को। सबसे ज़्यादा मेरे को रेड कलर की मॉडिफाई की हुई Z900 के फोटो भेजे हुए हैं। बट गाइस रेड कलर मेरे को पसंद नहीं है, सीरियसली बताऊँ तो, है ना, क्योंकि रेड कलर ना थोड़ा अजीब सा लगता है। काफ़ी लोगों ने मेरे को हर एक भेजी है लेकिन रेड कलर की ज़रूर भेजी है, मैक्सिमम लोगों ने रेड कलर की भी भेजी है, मतलब वो भी काफ़ी अच्छी है, बट मेरे को रेड कलर पर्सनली पसंद नहीं है। लेकिन गाइस मैं आपसे एक ही प्रॉमिस करता हूँ, जो भी अपनी बाइक में करूँगा भाई आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको पता ही है यार ड्यू को मैंने क्या बनाया है, पता है ना। तो ये तो Z900 है, इसको मैं क्या बनाऊँगा। तो गाइस अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, निकलते हैं यहाँ से आगे, ठीक है, आगे चल के व्लॉग शूट करते हैं अच्छी सुंदर सी जगह पर। ओके तो चलो गाइस चलते हैं क्योंकि अंधेरा ना हो जाए। तो चलो, तूने वैसे अभी तक हाय नहीं बोला। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? यहाँ पे इसके लाली और यहाँ पे पता नहीं कौन सा पाउडर लगा के आई है। तूने मेकअप किया ना? कौन सा पाउडर लगाया तो है तूने? तो इतनी चमक कैसे रही है? पसीने है यार। तो तेरे पसीने से तेरे को ग्लो आ रहा है? हाँ, आता है। अभी मैं और सांची पहुंच चुके हैं भाई टनल के पास, को फिर से साउंड सुना देता हूँ यार। इसका एग्जॉस्ट जो है वो पीछे वाली साइड है ना, बट अगर आप इस बाइक के पीछे आ रहे होगे ना भाई आपको कान बंद करने पड़ेंगे, इतनी ज्यादा लाउड है क्योंकि इसकी सारी साउंड पीछे की तरफ जाती है। अरे अरे भाई 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 भाई, एक यहाँ पे ना मंकी भाई बहुत सारे ऐसे अचानक से आ जाते हैं। तो भाई अभी तक टनल में कितना जाम है भाई, क्या ट्रैफिक है, मतलब 2 घंटे हो गए मेरे को सांची और 2 घंटे से ऐसा ही ट्रैफिक है। सोच ले मैं कैसे आया हूँ, जब मैं आया था ना घर से तब धूप थी और अब शाम हो गई है, इस वजह से मैं लेट हो गया। सो मेरे भाइयों अभी मैं रुका हूँ भाई सिद्रा वाली साइड, मतलब फ्लाईओवर क्रॉस कर लिया था क्योंकि यार ट्रैफिक भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखो अभी भी देख लो भाई ट्रक कितने ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब आज सही बताऊँ ना बाइक चलाने का मज़ा नहीं आया यार, क्योंकि बाइक चलाने का मज़ा पता कब आता है, जब हम दौड़ा रहे होते हैं। अब सांची को थोड़ी बाइक देने वाले चलाने के लिए, बट यहाँ से नहीं थोड़ा। सांची ये क्या तोड़ दिया तूने, ये क्या तोड़ दिया गाइस? ये ना बाइक का कुछ टूट गया यार, ये क्या टूट गया बाइक का? आए बड़े, क्या क्या बोल रही है यार इसका? ये गाइस बाइक का ना कुछ तोड़ दिया सांची, तू नहीं तोड़ा, तू नहीं पैर मारा था यहाँ पे, ये बाइक का तोड़ दिया तूने कुछ यार, ये क्या कर रही है यार? ओ भाई मजाक कर रहा हो यार, पता है मेरे को डर गई गाइस कुछ सेकंड के लिए ना, डर गई कि पता नहीं क्या तोड़ दिया मैंने ना। ये जो टायर है ना भाई, मैं कुछ दिनों के बाद इसको चेंज कराने वाला हूँ भाई। लीन देख रहे हो, यहाँ यहाँ तक निशान जो पड़े हैं ना, यहाँ यहाँ तक लीन मार दिया, बट इसमें ज़्यादा लीन मारता नहीं हूँ, फिर भी भाई यहाँ तक टायर घिस जाता है इसका। 10 या 15 दिन के बाद टायर चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि पीछे वाला टायर बहुत ज़्यादा घिसता है इसका। सांची को बाइक दूंगा मैं चलाने के लिए, बट यहाँ पर नहीं दूंगा, थोड़ा आगे चल के दूंगा, साइड में दूंगा, ठीक है। मन कर रहा है चलाने का, कर रहे ना देख रहे हो जो इसकी स्माइल होती है ना भाई, नेक्स्ट लेवल, बाइक के नाम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
कितने दिन की छुट्टियां हैं तेरे को? सो गाइस अब इसको पूरे 10 दिन की छुट्टियां हैं। ऐसे ये वीकेंड में 2 दिन के लिए आती थी घर पे, बट अब गाइस ये 10 दिन कंटिन्यू घर पे रहने वाली है और पूरे 10 दिन आपको दिखने वाले हैं खतरनाक वाले व्लॉग। और मेरा प्लान कुछ कल का थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम थोड़ा कुछ अलग करने वाले हैं। सोचा तो मैंने ये है कि कल थोड़ा कुछ अलग व्लॉग बनाया जाए, तो अभी यहाँ से चलते हैं। ओए सो गाइज अभी हम पहुंचे हैं भाई ये वाले पुल पे, जो कि मेरे घर वाली साइड है। आई नो आपको लग रहा होगा भाई कितनी ज़्यादा रोशनी थी, अंधेरा हो गया। गाइज सीन ये था ना कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और ट्रैफिक में मैं इसको दे नहीं पा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम है, बट है यहाँ पे भी ट्रैफिक है देख सकते हो, बट यहाँ पे मैं साइड में दूंगा इसको थोड़ा सा चलाने के लिए। क्या बैग पहनूं? अच्छा जल्दी कर ले, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है भाई। अभी कैमरे में तो गाइज आपको कुछ भी अंधेरा नहीं लग रहा होगा, बट भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। बैठ कैसे रही है, देख रहे हो पाँव पूरे लगते नहीं है, नहीं लग जाते, इसमें लग जाते हैं, मानता हूँ इसमें लग जाते हैं। और बिल्कुल आराम से क्लच पे बिना रेस के, क्लच दबा के सेल्फ मारो। हाँ सीधा रख, हैंडल सीधा रख, बहुत बढ़िया। लॉन्च तो देखो, लॉन्च तो बहुत अच्छा कर लेती है, नो डाउट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।